गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पार्ट 3 में नन्ना बादल कहानी पढ़ेंगे, पेज नंबर 16। स्टूडेंट्स, हमें घमंड में आकर किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। घमंड करने वाला किसी का प्रिय नहीं हो सकता, ना ही वह श्रेष्ठ कहलाया जा सकता है। जो दूसरों के दुख तथा परेशानी में शामिल होता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। प्रस्तुत कहानी हमें यही संदेश दे रही है। एक बार की बात है, आसमान में कई बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उनमें से कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ छोटे थे, कुछ काले थे, कुछ सफ़ेद थे, कुछ पीले रंग के थे, कुछ मटमेले रंग के बादल थे। सबके सब बादल आज इंद्र देवता के पास जाने वाले थे। वहाँ इस बात का निर्णय होना था कि सेनापति कौन बनेगा। नियत समय पर इंद्र देवता का दरबार लगा। एक एक करके बादलों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू किया। मटमेला बादल गरजा, मुझे सेनापति बनाया जाए, मेरी जलराशि के सामने कोई नहीं ठहर पाएगा। किसने बोला? मटमेले बादल ने बोला कि मेरे पास इतनी जलराशि है कि उसके सामने कोई भी नहीं ठहर पाएगा। काले बादल ने मुँह चिढ़ाया, इतना घमंड! अरे, हम जब आकाश में छाते हैं तब लोग कांप उठते हैं, इसलिए सेनापति तो बनने का हक तो मेरा ही है। सफ़ेद बादल भी कहाँ कुछ कम था, वहाँ बोला, तुम सब तो कभी कभी आते हो, मैं तो हमेशा गगन में छाया रहता हूँ। गगन मतलब आसमान में। भला मेरे सिवा सेनापति कौन बन सकता है? पीले बादल ने अपनी सुंदरता को निहारा, उसको अपने रूप पर घमंड था। वह बोला, मेरे रूप पर भला कौन मुग्ध ना होगा? मुग्ध मतलब मोहित ना होगा, सेनापति तो मुझे ही बनाया जाना चाहिए। उन सबसे दूर एक पूरा नन्ना बादल मायूस होकर बैठा था। वह सोच रहा था, हाय, मैं तो कितना छोटा सा हूँ, इन सब के बीच इंद्र देवता मुझे देख भी नहीं पाएंगे तो सेनापति कैसे बनाएंगे। बादलों की बातें सुनने के बाद इंद्र देवता ने घोषणा की कि सब अलग अलग स्थानों पर जाकर जल बरसाओ, फिर वापस आकर दरबार में मिलो। धीरे धीरे सारा दरबार खाली हो गया। नन्ना बादल उठा और जिस ओर सब बादल जा रहे थे उनकी विपरीत दिशा में जाने लगा, मतलब जहाँ सारे बादल जा रहे थे उनसे उल्टी दिशा में वह जाने लगा। पहाड़ नदियाँ लांघते हुए वह अपनी धुन में चला जा रहा था। उसने ऊपर से धरती की ओर देखा तो हैरान रह गया। एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। नदी, नाले, तालाब, झरने, पेड़ पौधे सब सूख गए थे। खेत में एक अन्न का दाना भी न था। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। किसान अपनी ज़मीन को देखकर रो रहे थे। नन्हे बादल से ये सब देखा ना गया। उसने अपना जल उस गांव में बरसाना शुरू कर दिया। लोगों ने सिर उठाकर नन्हे बादल को धन्यवाद दिया। वे खुशी से नाचने लगे। इंद्र देवता चुपचाप ये सब देख रहे थे। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शाम को इंद्र देवता का दरबार में सारे बादल इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बात बताने लगे। मटमेले बादल ने कहा कि तुम इतना जल बरसाया कि लोग डर के कारण अपने घरों में छिप गए। काले बादल ने कहा, मैंने तो इतना जल बरसाया कि नदियों में बाढ़ आ गई। इसी प्रकार सब बादल अपनी महानता बखान करने लगे, बखान मतलब बताने लगे। अचानक इंद्र देवता उठे और नन्हे बादल के समीप पहुँचे। उन्होंने उसके सिर पर सेनापति का ताज रख दिया। नन्हे बादल ने आश्चर्य से देखा। तब इंद्र देवता ने कहा, जो दूसरों के दुख को समझता है, उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता है, वही श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा होता है। ऐसे नन्हे बादल को ही सेनापति बनाना उचित होगा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये सब देखकर नन्हे बादल की आंखें डबडबा गईं। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरों के दुख को समझना चाहिए, उनके भलाई के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।